हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डिया बनी ब्लॉग चैनल। और आज आपको मैं फिर से अपने गार्डन में लेकर आई हूँ, छोटे से गार्डन में, क्योंकि आज मेरे गार्डन में नए मेहमान जो थे वो आए थे। वो थे ये वाले, क्योंकि इनको आज मुझे ये शाम को ही जो नर्सरी वाला था वो लेकर गया था। मैंने उसको बोला था थोड़े से फ्लावर्स दे कर जा मुझे, और ये देकर गया था। और ये वाले तो चलो इस पॉलीथीन में थे तो इनको मुझे इतनी परेशानी थी नहीं थी कि अभी लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। बट ये वाले जो थे इनको अभी लगाना ज़रूरी था, क्योंकि ये ऐसे ही थे, मिट्टी लगी हुई थी थोड़ी सी नीचे। अगर ये मैं सुबह तक ना लगाऊँ तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो अभी ये फिर मैंने जो खाली पॉट्स मेरे पास पड़े हुए थे, ये वाले जो मैंने ऑयल कंटेनर से बनाए हुए हैं, ये सारे मेरे खाली हो गए थे, क्योंकि इसमें भी मैंने फूल के पौधे लगाए थे वो सूख चुके थे। तो ये अभी मैंने फिर से जो थे वो मंगवाए थे तो ये लगा लिए थे। जितने भी मेरे पास खाली पॉट्स थे सब में मैंने ये वाले लगा दिए थे। और ये जी अपनी बॉल बता रही है, क्योंकि आज ये बाज़ार से लेकर आई थी न्यू वाले, तो वो बता रही है। इसी तरह से मैंने जितने भी मेरे पास खाली पॉट्स थे उनमें सब में मैंने ये वाले पौधे जो लगा लिए थे। ये काफ़ी जो थे गुट्टे के देकर गया था मेरे को, तो अभी ये मेरे को लगाने ज़रूरी थे। अभी कुछ मैंने इधर नीचे ही रख लिए थे, लगा लिए थे, और कुछ मुझे छत पे भी लगाने थे, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़े से जो पॉट थे वो खाली हो गए थे, क्योंकि टर्टल वाइन्स वगैरह जो अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो वो सूख गई है, तो इनके बीच पे भी मैंने थोड़ा जगह बनाकर इनको लगा दिया था। इस तरह से ये मैंने सारे लगा लिए थे जो अभी ऐसे ही पड़े हुए थे। बाकी जो थे मैं सोच रही थी कल लगा लूँगी, और ये सब मैंने लगा लिए थे। अब ये दूसरा दिन था तो मुझे ये पॉट्स जो थे ये लेके रखे मैंने नीचे, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे ये बनाती हूँ। और ये मैंने पहले के बना के रखे हुए हैं, आज मैं एक नया बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक पौधा जो है वो मेरा बच रहा है वो उसको लगाना है ये वाला। और मेरे पास अभी कोई पॉट खाली नहीं था, तो चलो मैंने सोचा कि साथ साथ में आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरे पास जो बैटरी का तेल जो जिसमें आता है इन्वर्टर की बैटरी का तेल आता है, वो वाली जो बॉटल जो थी खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने इसी का सोचा बताती हूँ कि किस तरह से बनाती हूँ। पहले मैंने इसके बाहर का जो स्टिकर था वो निकाल लिया था, और अभी इस पेंसिल के साथ मैंने पेन के साथ इसको अच्छे से शेप में बना लिया था। और मैं ये बिल्ली की शेप बना रही थी, और इस तरह से आप लोगों ने बना लेनी है। फिर आप लोग इसको किसी चीज़ की सहायता से इसको काट लेंगे, और पहले तो मैं रफली ही काटूंगी, फिर बाद में इसको सीजर के साथ इसकी शेप जो है मैं बनाऊंगी। आप इसको आप कोई भी शेप में बना सकते हो, तो मैंने ये बिल्ली की शेप बनाई है। आप किसी भी चीज़ की बना सकते हो, हाथी की भी बना सकते हो, चिड़िया वगैरह, ये इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये मैंने इसकी पूंछ भी पीछे से बना ली थी। अब आप लोग इसको या तो चक्कू गरम कर करके इस तरह से आप इसको काट लो, या फिर आप लोग जैसे भी मतलब जो भी चीज़ आपके पास कटर उससे काट लो। ये पहले मैंने रफली ही काट दिया, फिर मैंने इसको सीजर की सहायता से अच्छे से शेप में इसको बना लिया था, और ये बना ली मैंने। ये बन गई थी बिल्ली मेरी। अभी तो इसको डेकोरेट करना बाकी था, तो मेरे पास ये फैब्रिक कलर हैं तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये पानी वगैरह में ख़राब नहीं होते जो कपड़ों पे कलर्स करते हैं पेंटिंग वो है, और ये बारिश वगैरह में नहीं होते। पहले वाले पॉट्स को भी मैंने वही किया हुआ है। और ये मैंने इस तरह से ब्लैक कलर से जो है वो सारा जो इसकी आउटलाइनिंग जो थी वो मैंने कर ली थी। आप अपने जो भी आपको कलर पसंद हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक वाले के साथ इसकी सारी आउटलाइनिंग जो थी वो डन कर ली थी। और इसका पहले तो सबसे पहले फेस बनाना था, वो बनाया मैंने। वाइट पे तो वैसे ही बड़ी प्यारा लग रहा था ये ब्लैक कलर। और इस तरह से मैंने फेस इसका बना लिया, और चारों तरफ जो थी भी मैंने आउटलाइनिंग जो थी वो उसकी कर ली थी इस तरह से। अब इसकी बारी थी फेस पे बनाने की आइज़ वगैरह, तो ये मैंने आइज़ बना ली इसकी, और इसका लिप्स भी बना लिए थे इस तरह से। मेरी बेटी पास में बैठी हुई थी तो वो बहुत प्यारी बोल रही थी, मम्मा ये तो ऐसी लग रही है कि बिल्कुल ओरिजिनल बिल्ली होती है वैसे लग रही है। बैठ के पास में देखी जा रही थी, घूमी जा रही थी आगे पीछे। इस तरह से डॉट लगा लेने हैं आपने। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह कर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये मैंने कर लिया था, और नीचे से थोड़े से शेड कर दिए थे इसके, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और ये मैंने फिर मिट्टी डालकर और ये वाला जो पौधा था ये इसमें डाल दिया, और ये मेरा साथ में पौधा भी लग गया, और साथ में जो प्लास्टिक की बॉटल थी उसका भी यूज़ हो गया, और मेरे गार्डन में ये बहुत अच्छे से दिखेंगे अभी। और ये सारा जो था वो मैंने तैयार कर लिया था, शाम भी हो गई थी थोड़ी थोड़ी। और इस तरह से ये मैंने सारे जो हैं वो बनाए हुए हैं,
साथ में प्लास्टिक का भी यूज़ हो जाता है और हमारी गार्डन में भी थोड़ा डेकोरेशन का आइटम जो है वो बन जाती है। ये रात का व्यू लिया था जब मैंने शाम में हो गई थी, क्योंकि मुझे ये बनाते बनाते तो ये हो गया था बनकर तैयार और रात को इस तरह से दिखते हैं। और ये मैंने दिन का लिया था थोड़ा सा, दीवार पर मैंने इस तरह से बना बना के रखे हैं। और तो मेरा ये है कि अब मैं इसको बना बना के थोड़ा पूरा दीवार को भर दूँगी। और ये देखो कितने प्यारे लगते हैं देखने में, अच्छे लगते हैं ऐसे दूर से ही। साथ में ऑयल कंटेनर इतने तो यूज़ होते ही हैं घर में, तो फिर वो भी वेस्ट नहीं जाते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ब्लॉग के साथ। बाय बाय।